मंगलसूत्र या महामंगलसूत्र, यानी कि जो गले में मंगलसूत्र पहना जाता है, जो 38 बातें हैं जो मंगलकारी हैं, जिनसे लाभ होता है, जो महिलाएं पहनती हैं और जानती नहीं हैं, उसके में 14 जो सूत्र हैं, 14 मन के, 14 मोती, 14 रत्न, उनके बारे में पहले बता चुका हूं। यहां जो ये गाथा है मंगलसूत्र की, उसमें 15, 16, 17 और 18 नंबर के जो मन के हैं, मोती हैं, उनके बारे में बताया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों का मंगल हो, आपका मंगल हो, आपके पति का मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, मोहल्ले में जितने सदस्य हैं, सभी का, पूरे देश का मंगल हो। दानच धम्मचर्या च यात कानच संग हो अनुवज्जानी कम्मानी एतंग मंगल मुत्तमं। ये मंगल सूत्र नंबर 6 है, इसमें 15, 16, 17, 18 नंबर के सूत्र दिए हुए हैं। दानच धम्मचर्या, दानच धम्मचर्या, दानच का मतलब है दान चे, इसमें जो नियम है वो 15वां है, यानी कि दान करना चाहिए, दान करें। दान क्यों करें? क्योंकि आपने जो जरूरत से ज्यादा कमाई की है और जो आपके पास पैसा है, वो पैसा आपको बुराई लेके आएगा, आप इधर उधर खर्च करोगे। और जिसके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जिसके पास में खाने के भी नहीं है, वो परेशान होगा, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। यानी जो भूखा व्यक्ति होता है, मार उसको कहीं ना कहीं पापी बना देगी, चोर बना देगी, हिंसक बना देगी। और जो ज्यादा पैसा वाला है, उसके मार कहीं ना कहीं उद्दंडी बना देगी, उल्टे सीधे कामों में उसका मन लगा देगी। तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, जरूरत से ज्यादा पैसा होता है, अगर आप कमाते हैं तो वो आपके और आपके परिवार के लिए नुकसानदायक होता है। और जिन व्यक्तियों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, उनके लिए भी जो निर्धनता है, गरीबी है, वो भी नुकसानदायक होती है। ये बिल्कुल सत्य है, इसको भगवान बुद्ध ने देखा। इसलिए दान की पारमिता बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि अगर आपके पास में इतनी कमाई है, इतना साधन है, तो आपको कुछ हिस्सा उसका दान में लगातार करते रहना चाहिए। उसका आपका धन, उसका परिवार और लोग आपकी तरफ में कभी नुकसानदायक दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि जो दान देता रहता है, सारी दुनिया उसकी सहायता करते हैं कि ये अच्छा आदमी है, दान देता है, तो कभी उसके विरुद्ध में नहीं जाते। ऐसा करके दान को बताया है कि दानच का मतलब दान करें। और धम्मचर्या, धम्मचर्या का मतलब है धम्म की चारिका करें। चारिका मतलब होता है जो 24 घंटे में हम कार्य करते हैं, उसको चारिका बोलते हैं। यानी जो दिनचर्या हमारी होती है 24 घंटे में, जो 24 घंटे चार चर्या में काम आते हैं, यानी उठना, बैठना, लेटना, सोना, यानी सोते हैं जब, चलते हैं जब, उठते हैं और बैठते हैं। तो हम चलें या बैठें या उठें या सोएं, ये चारों काम चर्या में आते हैं। इन चारों के अलावा कोई काम हमारा शरीर नहीं करता है। या तो हम बैठे रहेंगे, या हम चलेंगे, या हम सो जाएंगे, या हम खड़े रहेंगे। तो ये जो चर्या है, ये धम्मचर्या होनी चाहिए। यानी कि हम 24 घंटे इस बात को ध्यान रखें कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो और कोई किसी का नुकसान ना हो, ऐसे 24 घंटे हम विजिल से रहें। ऐसा गृहस्थ ऐसे सभी लोगों को करना चाहिए। ये है महामंगल सूत्र नंबर 16। और 17 में है यात कानंच संग हो। यात कानंच संग हो का मतलब है, यात माने होता है ज्ञात, ज्ञात यानी कि यातंग, यात कानंच का मतलब है यात का मतलब है ज्ञात, ज्ञात का मतलब है जो जानकार हैं, जो भाई हैं, बंधुत्व हैं, जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो हमारे ज्ञात का हैं, जानकारी में हैं, उनका संग होना चाहिए, उनका भरण पोषण करते रहना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो उनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई ज्ञात का, जानकार, रिश्तेदार, नाता संबंधी अगर कोई भूखा है, कोई परेशान है, तो आप भी परेशान होंगे, आपका मन भी व्याकुल होगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका भाई अगर खाना ना खाए और आप खाना खा के सोएंगे, तो वो खाना आपको हजम नहीं होगा, परेशानी पैदा करेगा, मन में गांठ बनाएगा, बीमार करेगा, और उसका असर लंबे समय तक आपके शरीर पर रहेगा। 18वां है अनुवज्जानी कम्मानी। अनुवज्जानी कम्मानी का मतलब है अनुवज्जति, यानी अनवर्जित। अनवर्जित का मतलब है, वर्जित माने क्या होता है, यह नहीं करना चाहिए, और अनवर्जित माने क्या होता है, जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करना। अनवज्जानी का मतलब है जो वर्जित है, जिसको मना कर दिया है उसको नहीं करना है। क्या मना कर दिया है? जैसे मना कर दिया है कि चोरी नहीं करनी है, जैसे मना कर दिया है कि ये सामान किसी का जो लेके आए हैं इसको खराब नहीं करना है, जैसे मना कर दिया है आपको कि आपको नशा नहीं करना है, जैसे मना कर दिया है आपको कि आपको किसी का कोई
बाहर कटु शब्द नहीं बोलने हैं, जैसे आपको मना कर दिया है कि दूसरे के सामान को नहीं लेना है, जैसे आपको मना कर दिया है कि आपको जोर से नहीं बोलना है, जैसे आपको मना कर दिया है कि ज्यादा खाना नहीं खाना है, तो जो मना कर चुके हैं, जो वर्जित हो चुका है, वो काम नहीं करने हैं। कम मानी का मतलब काम है और अनवज्जानी का मतलब है अनवर्जित, यानी कि जो वर्जित हो चुके हैं वो नहीं करने हैं। ये है महामंगल सूत्र नंबर 18। तो दानच धम्माचर्या च यात कानच संगहो अनवज्जानी कम्मानी एतंग मंगल मुत्तमंग। मंगल मुत्तमंग का मतलब है मंगलों में उत्तम है, ये काम मंगलों में उत्तम है, मंगल माने कल्याण में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। धन्यवाद। आपने मंगल सूत्र का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी इमोशनल पिक्चर आती हैं मंगल सूत्र के ऊपर। स्त्री अपनी जान देने को तैयार होती है, मगर जब विलेन यानी जो खलनायक होता है अगर वो मंगलसूत्र पे हाथ डाले तो हीरो को गुस्सा आ जाता है, जो महिला है वो आग बबूला हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। मेरा मंगलसूत्र छीना तो समझो मेरे पति के प्राण छीन लिए। ऐसी महिमा मंडित करके मंगलसूत्र की डालते हैं ताकि मंगलसूत्र बिके और व्यापार चले, क्योंकि मंगलसूत्र में जो मनके होते हैं यानी कि जो मणि होती हैं, काले काले मोती होते हैं, वो भी तुलते हैं सोने के साथ में, उनका पैसा लगता है, तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है। मंगलसूत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक आभूषण है, एक ऐसा विभूषण है जिसमें काले मनके लगे होते हैं, और ट्रेडिशनली तो पीला धागा होना चाहिए, अभी सोने में भी वो आता है। मैंने बहुत छाना मगर मंगलसूत्र के बारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं। बेसिकली मंगलसूत्र जो है वो पुरुषों के और महिलाओं के, यानी कि जो नर हैं और नारी हैं, दोनों के ही पहनने की चीज़ है। बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, सभी पहन सकते हैं, क्योंकि मंगलसूत्र बहुत कमाल की चीज़ है, उसको पहनना चाहिए। और अगर आप उसे पहनते भी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मगर उसे मानना जरूर चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर मंगलसूत्र को आप मानते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, तो सच में आपकी जान को खतरा रहता है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं या कोई भी आप हैं। मंगल सूत्र का मतलब है जो कल्याण करे, यानी मंगल। और सूत्र यहाँ बोला जाता है पाली में, इसको सूत्र बोलते हैं, यानी कि ऐसे वचन, ऐसी बात जो आपका कल्याण करे। और अगर महा लगा दें पहले तो महामंगल सूत्र हो जाता है, यानी कि बड़े कल्याण करने वाले, अच्छा करने वाले सूत्र। इन सूत्रों को, ये सूत्र लोगों का कल्याण करते थे, बुद्ध की वाणी है। 38 उन्होंने बताए, 38 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है, खाली महिलाओं के लिए नहीं है। मगर पुरुषों ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया, इसलिए पुरुषों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाओं को जबरदस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगलसूत्र मानने पड़ेंगे, तुम्हें याद रहे, इसलिए तुम्हारे गले में ये 19-19 मनकों की माला, यानी कि 19 मोती इधर हैं, मणि इधर हैं, और 19 मणि इधर हैं काले रंग की। काले मतलब काले लोग होते थे इसलिए काले हैं। और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं, भगवा कलर का धागा, यानी बुद्ध के वचन है, बुद्ध ने बताया है। तो मंगलसूत्र का मतलब है कि 38 वो बातें जो काले लोगों की हैं और जो भगवान ने बताई हैं, इसलिए पीले धागे में हैं, आपको याद रहे, इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम्म चक्र डाल लीजिए, जो बाद में आया तो आपको याद रहेगा कि ये धम्म की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। ये उसका प्रतीक बना। जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली ट्रेडिशन रह गया, परंपरा रह गई। लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे, मंगल सूत्र क्या थे, मंगल वचन क्या थे, वो कौन सी कल्याणकारी बातें थी, वो कौन सी गुड टॉक्स थी, गुड थिंग्स थी, जो हमें 38 थी, 38 थी अप्लाई करनी थी। वो गले में 38 मन के बांध के बस काम खत्म हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया। जितना जिसको बड़ा मंगल सूत्र जो ले सकता है, सुनार जो थे, जो स्वर्णकार थे, उनके मजे आ गए, वो वहां अपना धंधा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगलसूत्र बिकने लगे। फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंगलसूत्र को पति की जीवन से जोड़ दिया। बेसिकली तो पति अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पति अगर नहीं चलेगा तो पति का जीवन खतरे में रहेगा। ऐसे ही अगर स्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी, तो उसका जीवन कल्याणकारी रहेगा, वरना तो डामाडोल रहेगा, खत्म सा रहेगा, चाहे वो सांस लेते रहे या जीवित रहे। तो वो जो मंगलसूत्र हैं या महामंगलसूत्र हैं, वो सारे मंगलसूत्र भगवान बुद्ध ने बताए हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में
किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा।